क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फैसल। कल यानी 10 नवंबर को बिहार चुनाव का जो है परिणाम आने वाला है, उससे पहले अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी और राधाकृष्ण किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताएं हमें, एग्जिट पोल आपकी तरफ है, क्या कहेंगे? कल महागठबंधन के लिए स्वर्णिम का दिन है। एग्जिट पोल तो कल माने 7 तारीख के हुए हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी जो है हम लोगों को पहले से मालूम है। जब भी हम लोग आपके चैनलों में जब भी बात किए तो हम लोगों ने कहा कि 200 प्लस हमारी सीटें रहेगी, क्योंकि बिहार की जनता आपका डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह ऊब चुकी थी। चाहे कोरोना काल का रहा हो, चाहे बाढ़ आपदा काल रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, इससे पूरी जनता खिन थी, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि हमारे महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम हुआ 243 विधानसभा में, और जिस तरह जन सैलाब उभरा, उसी दिन तय हो गया था कि हमारा जो सोच है, जो हम लोग पहले बोले थे कि 2 थर्ड मेजोरिटी माने 200 प्लस से हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, वो जो भीड़, जो युवाओं में जो जोश, जो किसानों में जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जहाँ भी जा रहे थे, जहाँ पूछ रहे थे कि यहाँ अस्पताल का क्या हालात है, तो सभी जगह भ्रष्टाचार का आलम था बिहार में। अब बिहार के जनता एक ही एक ऊब चुकी थी और लोगों का था कि जुआ तुर्क नेता हैं और युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने जो वादा किया कि 10 प्रथम जो कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं, नियुक्ति, सरकारी नौकरी, जो कि माने पूरा ग्रीनिज बुक में ये आएगा, और जो सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा, इससे झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जनता की ओर से हम लोग शुभकामना और बधाई देते हैं। लेकिन अभी जो है एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में नहीं बदले हैं, और इस बीच देखा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में कई जगह बैनर लगे हुए हैं और इसमें लिखा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है, इस मौके पर उन्हें बधाइयाँ दी जा रही है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? ये तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या माने, हम लोग तो कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, चूँकि जनता का जो जनमत है, हम लोग बिहार के जनता को सलाम करते हैं कि बिहार के जनता ने उचित फैसला लिया है। जो सरकार का जो रवैया था, चाहे मुजफ्फरपुर के बाल माने शेल्टर वाला घटना हो या सृजन घोटाला हो, माने 55-56 घोटाला हुए हैं, भ्रष्टाचार तो एक एक विभाग में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रही थी, तो तमाम लोग त्राहिमाम किए हुए थे। हम लोग कहता था कि नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का रुझान है, आपके चैनलों द्वारा सब लोगों को मैंने बताया गया कि महिला कितना प्रतिशत किनको चाहा,
जुआ वर्ग किसको कितना चाहा, और मुख्यमंत्री के रूप में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में कितना लोगों ने चाहा, तो टोटल आंकड़ा जो दर्शाता है कि हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी के को सबसे ज़्यादा महिलाओं लोगों ने चाहा, यहाँ युवाओं ने चाहा और बेरोजगारों ने चाहा। तो कल तो हम लोगों को पक्ष में फैसला आना ही आना है, जिसके हम लोग 100% आश्वस्त हैं। चलिए खैर ठीक है, अभी हमारे साथ मौजूद हैं राधा कृष्ण साहब भी मौजूद हैं, इनका राजनीति में एक लंबा अनुभव है, इनसे कुछ सवाल करते हैं। आप हमें बताएं कि बिहार चुनाव के जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के मुताबिक आपकी सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, इस बीच राजद और कांग्रेस को कहीं ये भी डर है कि जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार ये विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, क्या इस तरह का डर राजद में और कांग्रेस में है, जिसके चलते केंद्र से सोनिया गांधी ने कई दिग्गजों को बिहार रवाना कर दिया है और जो स्ट्रांग रूम है उसमें तैनाती कर दी गई है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है और कल तो चुनाव परिणाम आने वाला है, अभी से इस बात की शंका मन में पालना मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो जाएगी। कल जनादेश मिलने वाला है, लोग महागठबंधन के नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर लोग जनादेश प्राप्त करेंगे, चाहे जो भी विधायक हमारे जीत करके आने वाले, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कहाँ से आती है। देखिए, मैं इससे हट करके कह रहा हूँ, इस चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अभय सिंह जी भी कैंप कर रहे थे और हमारे कई साथी आरजेडी के फ्रंट के जितने भी हमारे नेता हैं वो सब बिहार चुनाव में लगे हुए थे। मैं स्वयं तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर में कैंप कर रहा था, मैंने देखा है। नीतीश जी सुशासन की बात करते, 15 वर्षों का हिसाब उनको देना चाहिए, और एक इसके पहले बिहार विधानसभा में ही मैं 3 बार वहाँ का सदस्य था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और जो अल्प ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ बिहार के बारे में इस चुनाव के क्रम में, तो या तो उनको जनता दल यूनाइटेड को या फिर एनडीए को डेवलपमेंट का डेफिनेशन मालूम नहीं है। देखिए, कुछ फ्लाई ओवर बना देना और कुछ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे बना देना डेवलपमेंट नहीं होता है। जब तक आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगा तो आप उसे एक खुशहाल राज्य नहीं कह सकते। क्या स्थिति है, किसी मंच पर जवाब दे। मैंने तो कुर्नी में बात करते हुए लोगों से कहा कि बैठें एनडीए के लोग और बात करें, किस आप विकास की बात कर रहे हैं। वहाँ 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, आज भी लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी नहीं, जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होना चाहिए एक व्यक्ति को, कम से कम इतना तो हो कि बच्चों को पढ़ा सके, बच्चों को दूध दे सके, अच्छा भोजन दे सके। जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बिहार का है वो 433 रुपया बताया गया है पर मंथ। अब आप समझते हैं कि 433 रुपये में 30 लीटर प्रतिदिन 1 लीटर के हिसाब से दूध तक नहीं आएगा, और उसी तरह पर कैपिटा इनकम भी बिहार का नहीं बढ़ा, 15 वर्षों में वो उसी तरह स्टैग्नेट करता रहा, यथावत बना रहा। लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सके, बच्चों को पढ़ा सके, गांव में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। मैंने तो खोल करके कहा कि नीतीश बाबू और बीजेपी के कोई भी लीडर बैठे और बताएं कि 15 वर्षों में कितना इंच सिंचाई क्षमता लोगों ने सृजित किया है, किस डेवलपमेंट की बात करें। और ये विश्वास जीता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व महागठबंधन ने, महसूस किया है। मैं 2 मिनट और समय लूंगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न छेड़ा है कि राजनीतिक संगठन की जिम्मेवारी क्या है। हम जनादेश प्राप्त करते हैं, सरकार में जाते हैं, और मेरा पहला कमिटमेंट होता है कि साहब उस प्रदेश के रहने वाले लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाए, मुस्कान लाए। सिर्फ वोट लेना ही काम नहीं होता है किसी राजनीतिक संगठन का, और इस नब्ज को पकड़ा तेजस्वी यादव ने। बिहार 1980 में पहली बार मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ, उस समय से बिहार को देख रहा हूँ, जातियों में बटा हुआ, संप्रदाय में बटा हुआ। तेजस्वी यादव एक 30 वर्ष का नौजवान खड़ा होता है और कहता है कि बिहार में इसकी कोई
गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ना कोई जाति ना कोई धर्म, हर जाति हर धर्म के लोगों का सम्मान करेगा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, और बिहार को हम विकास के ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, और वो तभी संभव होगा जब हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली दिखाई पड़े, और ये खुशहाली तब दिखाई पड़ेगी जब लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए लाखों की संख्या में, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लाखों की संख्या में सरकारी पद, कोई पद सृजित करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट का सैंक्शन पोस्ट पीएम से लेकर के ऊपर तक के पद खाली पड़े हुए हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए नीतीश गवर्नमेंट को कोई रोका था क्या? कोई नहीं रोका था। लोग बेरोजगार हताश है। और एक चीज़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया अभी, देखिए रूरल एरिया में 47% वोट मिला है। लोग कहते हैं कि शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में होता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में 48% वोट तेजस्वी के नाम पर पड़ा है। इसका मतलब कि हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग और नौजवान, किसान, महिलाओं का वोट तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को मिला है। ये उपलब्धि है। सरकार बनेगी, अब हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। हमारी जिम्मेवारी ये बनती है, हमारा से तात्पर्य यह है कि तेजस्वी जी ने जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को देखिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता ही राजनीतिक चरित्र को प्रमाणित करता है, और ये कमिटमेंट आपको दिखाई पड़ेगा सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि किस रास्ते पर ये तेजस्वी यादव जी की सरकार चल रही है। हम सबों को पूरा भरोसा है कि बिहार के साथ झारखंड राजद और महागठबंधन के परिवार भी हर्षोल्लास में हैं। आज उनका जन्मदिन प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी हम लोगों ने मनाया है, बहुत खुश। और एक प्राकृतिक, जिसको कहते हैं नेचुरल को इंसिडेंस, क्या प्राकृतिक संयोग है, आज उनका जन्मदिन है और कल बिहार में उनके नेतृत्व में सरकार का उदय होने वाला है। अब समझ लीजिए कि सारी बातें सही चल रही है, आने वाला समय भी बिहार के लिए और झारखंड के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने वोट का परसेंटेज गिनाए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के जनता या फिर जो जेडीयू के जो प्रतिनिधि है, उनका साफ इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि जो बिहार में 15 साल का जंगल राज था, अब फिर अगर उनको जनादेश मिल जाएगा तो ये जंगल राज जिसका तैसी रहेंगी, क्या कहेंगे आप? बस एक पंक्ति में मैं उत्तर करूँगा, शुक्र है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पौराणिक काल की बातें नहीं की, महाभारत काल की बात वो नहीं कर रहे, और वो रामायण काल की बात नहीं कर रहे। अगर उनका बस चला होता तो कहते कि महाभारत में ये हुआ था, रामायण काल में ये हुआ था। वर्तमान में जीना सीखिए, 15 वर्षों के शासन काल का हिसाब किताब दीजिए। राजनैतिक जो मांग है वो यही है कि हर चुनाव में, हम चुनाव लड़ रहे हैं 2020 में और बात कर रहे हैं 1995 की, कहाँ गलतफहमी कंफ्यूज कर रहे हैं जनता को। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे अवैध सिंह जी आज प्रदेश अध्यक्ष, तो ये अपने कार्यावधि का हिसाब करेंगे कि इसके पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष का हिसाब किताब मांगेंगे। देखिए ये बहुत साधारण सा गणित है। हम जो जनादेश प्राप्त किए थे, यानी कि जनता दल यूनाइटेड जो जनादेश प्राप्त किया था, तो उस कार्यकाल का हिसाब किताब दीजिए ना, आप पीछे कहाँ लौटा रहे हैं। और देखिए जिसे आप जंगल राज कहते हैं, ये बड़ी सोची समझी एक परिभाषा को लोगों ने स्थापित किया था बिहार में, वो जंगल राज नहीं था, वो सोशल जस्टिस का डिमांड था जिसे लालू यादव जी ने किया था। एक सामाजिक न्याय, सबों को अधिकार, जीने का अधिकार, परिवार को आगे बढ़ाने का अधिकार, ये बातें बिहार में नहीं थी। अगर इस बात को स्थापित किसी ने किया है, न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर भारत में अगर किसी ने स्थापित किया है, तो वो लालू यादव के सिद्धांतों ने और नीतियों ने स्थापित किया है सोशल जस्टिस। 15 वर्षों में सोया हुआ बिहार को जगाया है, उत्तर बिहार को, उत्तर भारत को जगाया है, झारखंड को जगाया है। अब ये 15 वर्ष का जो शासन था वो आर्थिक न्याय की बात थी, जिसका उत्तर नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था में जो लोग भी थे उनको देना था, वो नहीं दे रहे। जिसे आप जंगल राज कहते हैं, ये बिहार को 15 वर्षों को जंगल राज बताना, एक बहुत ही प्लान के साथ लोगों ने कहा। लोग नहीं चाहते होंगे, कुछ लोग, कि लोग सामाजिक रूप से जागृत हो, सामाजिक आर्थिक चेतना उनके अंदर आए, ये लोग नहीं चाहते हों। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये जो चेतना है
15 वर्षों में, तभी मैंने कहा कि सोया हुआ बिहार को लालू यादव जी ने जगाया और सोशल जस्टिस का नारा देकर के राजनीतिक चेतना दी। 15 वर्ष समय लगा, लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जागृत हुए, उनको पता चला कि ये हमारा अधिकार है। क्या ये गलत है क्या? अगर इसी को आप जंगल राज कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान रखने की आवश्यकता है। अब उस जो सोशल जस्टिस का पीरियड था 15 वर्ष, उसके बाद आर्थिक जस्टिस की बात होनी चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस, यानी कि अर्थव्यवस्था में सबकी समान हिस्सेदारी, सबको जीने का, अच्छे परिवार को अच्छी व्यवस्था देने का अधिकार। यही तो मैंने कहा कि नीतीश जी बताएं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या आधी से अधिक आबादी बिहार की बिलो पॉवर्टी लाइन है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर लोगों का इतना कम है कि अपने बाल बच्चों के बीमारी के बाद सही इलाज नहीं करवा सकता, बाहर भेज करके पढ़ाई लिखाई और उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की बात तो छोड़ दीजिए, स्कूल कॉलेज में शिक्षक नहीं थे वहाँ पे, और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो होना चाहिए था वो लोगों के पास नहीं था। तो 15 वर्षों का ये शासन दीजिए। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नीतीश जी को एक सबक और मिला होगा जनता दल यूनाइटेड को, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है, पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, कि इसके पूर्व के चुनाव में जिस राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के आप जनादेश प्राप्त करके सरकार बनाए थे, उसी राष्ट्रीय जनता दल के पीठ पर छुरा मार करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, ये बिहार के लोगों को नागवार गुजरा था। यही कारण था कि लोग अन्य कारणों के साथ इस कारण से भी जनता दल यूनाइटेड से बुरी तरह नाराज थे, इस चुनाव में दिखाई पड़ने लगा। खैर, ये कारण जो है वो तो कल लिखी जाएंगे। अंतिम बात और सुन लीजिए, कुछ लोगों ने तेजस्वी जी को पहले ही आशीर्वाद दे दिया था, अब वो व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से युवराज बताए होंगे, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह युवा का समर्थन मिला, और युवा चाहे वो किसी जाति और संप्रदाय का हो, सभी का समर्थन मिला है तेजस्वी जी को, तो जो युवकों पर राज करेगा, जिस युवकों के दिल में जो स्थान बनाएगा, वही तो युवराज कहलाएगा। अब आखिरी सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं करना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी, अभय जी, आखिरी सवाल आपसे है कि अगर बिहार में आपको जनादेश मिलता है तो क्या झारखंड राजद में आपकी क्या वो उपलब्धि होंगी, या फिर झारखंड राजद किस तरह से मजबूत होगा? देखिए, बिहार में सरकार बनने जा रही है, बनने के बाद हमारे नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री में काफ़ी मित्रता है, दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगे, यहाँ भी डेवलपमेंट होगा, वहाँ भी डेवलपमेंट होगा, और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कद और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।